प्रॉपर रीजनल फंक्शंस का कुछ इंटीग्रल हमारे पास दिया हुआ है और इस सारे क्वेश्चंस को हम ज्यादातर पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को विद इन 2 से 5 सेकेंड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, राइट। सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस को पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से सॉल्व करना बता देते हैं, राइट। उसके बाद इस सारे क्वेश्चंस को हम मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप भी कैसे 2 से 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व करोगे वो देखेंगे, ओके। यदि ये मेरा क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता तो सबसे पहले हम इसे पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से हेल्प करते हैं, हेल्प से सॉल्व करते, उसके बाद इसका आंसर निकालते, राइट। तो हम भी इसे पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से सॉल्व कर देते हैं, राइट। क्वेश्चन से मेरा x plus 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 upon x plus 1 into x plus 2 is equal to a upon ये हो जाता है x plus 1 plus b upon x plus 2, राइट। इसे हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम मेरा कुछ इस तरह से आएगा x plus 1 into x plus 2, राइट। इसे हम सॉल्व करेंगे a into x plus 2 plus b into x plus 1, राइट। और इधर मेरा x 1 upon 1 plus x into x plus 2, नीचे का मेरा कैंसिल होगा दोनों साइड, तो मेरा 1 इज इक्वल टू निकलेगा a into x plus 2 plus b into x plus 1, राइट। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट अपॉन इस x को हम मतलब एक जो टर्म है इसका में हमें जीरो करना है, तो इसमें क्या रखें कि मेरा एक टर्म मेरा जीरो हो जाएगा। यदि हम x का वैल्यू -2 रखें, x का वैल्यू -2 रखें इसमें, तो ये मेरा हो जाएगा 1 is equal to, ये मेरा सारा जीरो हो जाएगा, तो प्लस b into -2 plus 1 minus 1 b = -1, that means b is equal to मेरा -1 निकल गया, राइट। अगेन यदि हम इसे जीरो करें तो x is equal to -1 रखेंगे, राइट। यदि हम इसमें x is equal to -1 रखें तो ये मेरा जीरो होगा, और इसमें हम यदि x is equal to -1 रखें ये मेरा होगा 1 is equal to -1 होगा, -1 plus 2 तो प्लस से a is equal to निकल गया मेरा 1, राइट। अब इस a और b को हम इसके जगह पे रिप्लेस करेंगे, राइट, करा देते हैं, राइट। तो इंटीग्रल हो जाएगा 1 upon x plus 1 into x plus 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू निकला है 1 upon x plus 1 plus b upon x plus b का वैल्यू -1 है, तो -1 लिखेंगे तो ये मेरा माइनस होगा, तो 1 upon x plus 2, राइट। अब दोनों साइड हम अब इंटीग्रल निकालेंगे, इंटीग्रल लेंगे तो ये मेरा इंटीग्रल हो जाएगा dx, सारे में हम dx लगा देंगे, राइट। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसे हम ये मेरा फॉर्मेट में चेंज हो गया, राइट। ये होता है log ऑफ x plus 1 माइनस log ऑफ x plus 2, तो ये इंटीग्रल मेरा बन जाएगा log m माइनस m, तो log m अपॉन m log mod ऑफ x plus 1 अपॉन x plus 2 प्लस c, और ये मेरा इस इंटीग्रल का वैल्यू निकल गया, राइट। बट ये जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम ऐसा ना करके, राइट, इसे डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, राइट। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो बताते वो मेरा जो होना चाहिए वो मेरा प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए, राइट। इसका डायरेक्ट हम आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएं तो 2 minus 1 तो 1 होगा, तो हम लिखेंगे 1 upon 1 log mod of, इसमें जो छोटा नंबर होगा उसे हम पहले लिखेंगे, राइट। तो ये मेरा mod of x plus 1 upon x plus 2, और ये मेरा इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, ये मेरा इसका आंसर हो गया, और सारा का वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, तो 1 upon 7 minus 5 2 होगा, तो 1 upon 2 log of, इसमें छोटा जो है मेरा 5 5 लिखेंगे x plus 5 upon x plus 7, राइट। और ये भी मेरा इसका इंटीग्रल निकल गया, राइट।
नेक्स्ट है मेरा dx upon x minus 3 into x minus 8, तो हम 8 minus 3 करेंगे तो मेरा होगा 5, तो 1 upon 5 log of mod x minus 8 upon x minus 3 upon x minus 8। ऊपर में हमेशा छोटे वाले नंबर को लेना है, नीचे हमेशा बड़े वाले नंबर को लेना है, और ये मेरा 7 minus 5 तो होगा 1 upon 2 log of mod x minus 7 upon x plus ऊपर में x plus 5 upon x minus 7। ऊपर हमेशा छोटे वाले नंबर को लेना है, और ये 9 minus 6 ये होगा 3, 1 upon 3 log of mod छोटे मतलब x minus 6 upon x minus 9, right? इस टाइम में कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसे हम, और वो मेरा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो उसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ओके, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसे कुछ रिलेटेड आपको कुछ डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।